स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में जगह जगह कॉम्पैक्टर का निर्माण किया जा रहा है ताकि दिल्ली वासियों को कूड़े के ढेर से निजात मिल सके। लेकिन दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में ही ये कॉम्पैक्टर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। रोहिणी सेक्टर 24 में निर्माण हो रहे कॉम्पैक्टर को लेकर कई RWA इसका विरोध भी कर रही है। इसी को लेकर कई RWA के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोहिणी वासियों ने प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के साथ साथ इसका निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। RWA के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कॉम्पैक्टर का निर्माण गलत जगह पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि रोहिणी सेक्टर 24 के मुख्य चौराहे पर इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका खामियाजा यहां के स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। RWA के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्य चौराहा होने के कारण यहां दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है, स्कूली बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है, जिससे उन्हें भी यहां से गुजरते हुए बदबू का सामना करना पड़ेगा, जो किसी बड़ी बीमारी को दावत दे सकता है। खास वजह ये है, अपना सेक्टर 24 की पानी की स्टोरेज है, उसके बिल्कुल बगल में बन रहा है और एक भी पूरी दिल्ली में मेन रोड, मेन प्राइम लोकेशन और बिल्कुल मेन चौराहे पर एक भी जगह नहीं है जहाँ पे कॉम्पैक्टर मेन रोड पे लग रहा हो पूरी दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे सेक्टर 24 में क्यों लगाया जा रहा है? हम कॉम्पैक्टर के विरोध में बिल्कुल नहीं है, कॉम्पैक्टर लगना चाहिए पर उसके उचित स्थान पे लगना चाहिए। बड़ी होती है गवर्नमेंट्स की तो वो पब्लिक के लिए काम करती है। जब पब्लिक यहाँ की सब RWA इसका विरोध कर रही हैं तो ऐसी क्या आपत्ति है? मैं आपके चैनल के माध्यम अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको क्या इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है? क्या चीज़ क्यों ऐसा कर रहे हैं जब पब्लिक यहाँ की डिमांड कर रही है कि कॉम्पैक्टर हमें रिक्वायरमेंट है, थोड़ा दूर डाल दीजिए। एक तरफ नाला है, बीच में कॉम्पैक्टर लगा देंगे, ऑलरेडी एक नाले की लड़ाई हमने अभी ख़त्म की है, हम कितना सफ़र करेंगे, कितना उसको सर्वाइव कर मतलब झेलेंगे हम लोग? तो ये हमारी सब पूरी RWA का घोर विरोध है। आप इसको रोकेंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट रोकेगी, हाई कोर्ट रोकेगा, सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, नहीं रोकेगी तो पब्लिक की ताकत से रोकेंगे और उसको रोक के रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि वे कॉम्पैक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस जगह पर कॉम्पैक्टर का निर्माण किया जा रहा है वो जगह गलत है, इसलिए सभी की मांग है कि इस कॉम्पैक्टर को बदलकर किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाए। रोहिणी सेक्टर 24 के लोगों ने प्रशासन के साथ साथ इसका निर्माण करने वाली कंपनी पर भी अनियमितता के आरोप लगाए हैं।